हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये देखिए, ये एक प्लांट लेकर के आई हूँ जो कि टोपियारी में और बोनजाई में काम आता है। तो मैं आज इसकी टोपियारी बनाने जा रही हूँ। इसका नाम है मालपीटिया, जो कि बहुत ही अच्छा टोपियारी में काम आता है और इसकी टोपियारी बहुत ही सुंदर सी बनती है। मैं भी आज कोशिश कर रही हूँ इसकी टोपियारी बनाने की, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, एक चीज़ और बताऊँ इसके अंदर। देखो, छोटी छोटी ये कलियाँ आती है और वाइट कलर के इसमें फूल आते हैं। ये दिख रही होगी आपको इसकी कली, ये रही छोटी सी, है ना। जब इसमें फूल आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। फिलहाल इसमें कलियाँ आ रही है, तो चलिए उसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए टोपियारी बनाने के लिए। तो कुछ इस टाइप के तार चाहिए होंगे हैं, जो मैंने ले रखे हैं फ्लेक्सिबल, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है। तो मेरे को राउंड सर्कल बनाना है इसका, तो मैंने ये दो पीस तो बना के रखे हैं। इस तरह से जोड़ के मैं देख बताती हूँ आप लोगों के और कैसे जोड़ना है। तो ये देखिए, ये मैंने ये पीस काट रखा है। साइज़ आप अपने हिसाब से देख लें, कितना बड़ा आप लोगों को बनाना है उस हिसाब से साइज़ लेके तार इस तरह से मिला लें। और ये बारीक तार है जिसको कि मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है इस तरह से ट्विस्ट करने के लिए। तो इसको टाइटली बांधना है, और नहीं तो ये खुल भी सकता है। इसके लिए इसको अच्छे मजबूती से बांध दें। कर दिया। तो ये मैंने इस टाइप का फ्रेम बना दिया है इस तरह से, साइज से गोले नाप के और इस तरह से रख के, और फिर ये ऐसे बांध दिया है। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रही हूँ कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए ऐसे राउंड सर्कल बनाना तो कोई भी बना सकता है। मैंने ये गोल सर्कल बना लिया है पूरा। ये नीचे से मैंने थोड़ा सा खुला रखा है पौधा डालने के लिए, और ये मैंने ऐसे बना लिया। आप चाहें तो ऊपर और भी सर्कल बना सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये इतना बनाया है। तो मैं भी पौधे में डाल के आप लोगों को बताती हूँ। तो ये मेरा पौधा ये ऐसा लंबा है, ये इतना। तो अब मैं इसको डालूँगी, तो थोड़ा सा सावधानी से मुझे डालना पड़ेगा क्योंकि पौधा डैमेज नहीं हो, ये भी मुझे ध्यान रखना है। तो इस तरह से डालियां पकड़ के ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। आई विल ट्राई। देखो भाई, कोई काम करना है तो थोड़ी सी मेहनत तो होगी, थोड़े से पौधे को भी परेशानी तो होगी, लेकिन ये जब पूरा इसका रिजल्ट मिलेगा मुझे तो शायद बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो चलिए मैं इसको डाल करके फिर बताती हूँ। अब ये मैंने इसको किसी तरह से अंदर डाल दिया है इस पौधे को, और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगी। देखिए, मैंने कोशिश तो पूरी करी है इसकी कोई डाली डैमेज नहीं हो, और अब ऐसे इसको मैं सेट कर दूँगी। तार से या रस्सी की सहायता से इसको मैं बांध दूँगी। यहाँ इसको बांधना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरा प्लांट थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ रहा है इसके लिए।
तो ये इस तरह से मैंने इसको अभी सेटअप करा है। मैं अभी आगे की प्रक्रिया आप लोगों को बताती हूँ। तो पहले दिखा दूँ कि अभी ये पौधा कैसा दिख रहा है, थोड़ी देर में इसका शेप कितना चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, अब इसमें ये करना है कि जो डाली जिस तरफ झुक रही है उसको उसी साइड में, जहाँ पर भी मुड़ रही है उसको ऐसे करके इसको डाल देना है। आप चाहो तो रस्सी की सहायता से इसको बांध सकते हो। ये बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा है, तो ये बहुत जल्दी इसकी टोपियारी बनके तैयार हो जाएगी। और धूप में रखने वाला पौधा है ये, इसके अंदर कुछ टाइम बाद में थोड़े थोड़े फूल भी आते हैं, तो ये आपको फूल भी देगा गार्डन में। थोड़े टाइम के बाद इसकी पूरी बॉल बन जाएगी। सबसे बड़ी डाली ये है, इसको धीरे धीरे, अब ये डाली थोड़ी सी मोटी है तो मैं अगर इसमें थोड़ा सा भी जोर लगाऊंगी तो ये टूट जाएगी। तो मैं इसके अंदर ये एक तार है सिल्वर का जो कि लगा करके उसकी सहायता से इसको टर्न करूंगी। तो पहले मैं इसको लगा देती हूँ नीचे। जो बोनसाई टेक्निक होती है ना वो मैं इसके अंदर अपनाती हूँ। इसकी सहायता से किसी भी मोटी डाली हो उसको आप ट्विस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तार की वजह से इसका टूटने के चांसेस कम होते हैं। फिर जब थोड़े टाइम में ये ट्विस्ट हो जाए तो फिर इसको आप तार को निकाल भी सकते हैं। ये तार लग गया, अब ये इसके सहायता से मैं इसको धीरे धीरे मोड़ूंगी। जिस साइड इजीली ये मोल्ड होगा मैं उसी साइड इसको ट्विस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती मेरा पौधा टूट जाए। ये देखिए मेरा पौधा थोड़ा सा डैमेज हो गया यहाँ से। ये देखिए ये थोड़ा सा, ये देखो ये, तो अब मैं इसको नहीं कुछ करूँगी। क्या किया जा सकूँ। हाँ, तो ये जो डाली थी उसको मैंने इस तरह से नीचे मोड़ के और यहाँ बांध दिया है। और अब ये जो डाली आ रही है इसको मैं इस तरह, मतलब जो जिस साइड मुड़ रही है मैं उसको वहीं पे बांध देती हूँ। और मैं धागे की सहायता से बांध रही हूँ, क्योंकि तार से डाली को दिक्कत होगी, क्योंकि आगे वो बड़ी भी होगी इसके लिए। तो ये मैंने ये ऐसा सेप दे दिया है इसको। अब ये जो भी बाहर की साइड निकल रही है पत्तियाँ, अभी तो मैं इसको रहने दूंगी, कोई शेप नहीं दूंगी और कुछ कटिंग वटिंग नहीं करूंगी, क्योंकि अभी ये बढ़ने के उस पर है। तो ये सब बढ़ता जाएगा और मैं इसमें फंसाती जाऊंगी। जैसे ये बाहर की तरफ निकली हुई डाली है
थोड़ी बढ़ जाएगी तो मैं इसको, तो इस तरह से ये कुछ दिनों के बाद में ये बहुत अच्छा सा शेप ले लेगा तो फिर ये खूबसूरत लगेगा। तो फिर मैं आप लोगों को इसका बाद में अपडेट बताऊंगी। तो फिर आप लोग देखते रहिए मेरे को, अगर ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये कैसा लगा आपको, ये मेरी टेक्निक कैसी लगी। तो ठीक है, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, टेक केयर, बाय।